વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હું માનસરોવર વિદ્યાવિહાર સુરતથી ચૌહાણ કૌશિક. દોસ્તો, આજ હમ કક્ષા 8 મેં હિન્દી વિષય મેં કચ્છ કી શેર ઇસ નયે ચેપ્ટર કી શરૂઆત કરને વાલે હૈ, જિસકે લેખક હૈ હરેશ ધોલકિયા. तो पहले लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें. कच्छ निवासी हरीश धोलकिया अध्यापक थे, शिक्षक वो आपकी पहचान बन गई है. पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अग्निपंख शीर्षक से किया है. शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारत्व आपके लेखन के क्षेत्र है. कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं. आपका सृजन कार्य अंगद नपग, 400 टका आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है. प्रस्तुति इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है. यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है. दोस्तों, ये एक यात्रा वृत्त है. देखो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो दोनों चित्र अलग अलग देख रहे हैं आप. देखते हैं, विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है. दर्शनीय मतलब देखने लायक, और प्रांत मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य. विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है. सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है. हर एक प्रांत का और हर एक दर्शनीय स्थान का एक महत्व है और सौंदर्य भी है. गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है. अनूठा मतलब बाकी सब राज्यों से अलग होता हुआ, अलग दिखने वाला, जिसकी एक विशिष्ट छाप है, विशिष्ट प्रभाव है. गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ. भारत बहुत बड़ा देश है, उसमें गुजरात एक दर्शनीय स्थान है, प्रांत है, लेकिन उसमें भी वापस कच्छ एक विशिष्ट जिला है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है. यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है. इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है. अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम मतलब संग्रहालय भी कह सकते हैं. यात्रियों के लिए कच्छ बहुत आकर्षण का केंद्र है, और साथ में उसका पौराणिक महत्व भी कुछ कम नहीं है. अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे संग्रहालय मतलब म्यूजियम भी कहते हैं. आगे देखते हैं, कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं. ऐसे भी कच्छ रेगिस्तान से बहुत मशहूर है. एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नज़र नहीं आती. अंतः यह अनूठा रेगिस्तान है. ऐसे तो सब लोगों के मन में यही ख्याल रहता है कि रेगिस्तान है तो रेत होगी, चारों तरफ चारों ओर रेत रेत नज़र आती होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है. यह अनूठा रेगिस्तान है. सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है. कच्छ की यात्रा यहाँ से आरंभ होने के कारण हम श्याम ख्याली को कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है. प्रारंभ होना मतलब शुरुआत होना. यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है. रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है. यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, मतलब 5000 साल पुराना यह शहर है, यह स्थान है. इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं. हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं. देखो, यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि हम इस प्राचीन नगरी के दर्शन करते ही चकित रह जाते हैं, क्योंकि हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं. आधुनिकता मतलब पुराने ज़माने में भी आज के ज़माने जैसा काम हमें देखने को मिलता है. कार्य सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर.
बचाओ वहाँ से। वहाँ पर क्या बहुत बड़ा गांव है, जैसे कि वो कोई नगर हो कोई शहर हो, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। ऐसे तो ये इस कच्छ की उस और पाकिस्तान छूट जाता है, और कच्छ में जो 2001 में जो भूकंप आया था वो बात सब लोगों को याद है। आज भी गुजरात के सबसे बड़े भूकंप में कच्छ के भूकंप की बात आती है, तब ये शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन गुजरात के लोगों की के मनोबल और सरकार के सहयोग से वह शहर वापस उठ खड़ा हुआ है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदर का बड़ा महत्व है। ये कंडला बंदर गुजरात के जो बंदर है उसमें से एक है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे कंडला का विकास होता जाएगा इस जगह का भी विकास होता जाएगा। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। देखो कंडला से ही दक्षिण की ओर जाते हुए भद्रेश्वर के का अति प्राचीन एकदम मतलब पुराने से भी पुराना जैन लोगों का यात्रा धाम है। जैन मतलब जो हमारे भारत देश में रहने वाले जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उसमें से एक जैन, जैसे कि हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई ऐसे जैन। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। मैंने कहा ना 2001 में भूकंप आया था, उसमें यह 2500 साल से पुराना जिनालय जो भूकंप से खंडित हुआ था उसका पुनर्निर्माण का कार्य अभी जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। पहले वो पुराना था लेकिन अब उसे आधुनिक टच दे रहे हैं। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मुंद्रा शहर है वो पूरे तालुके का मुख्यालय है, पूरे तहसील का सबसे प्रमुख या फिर तहसील का केंद्र है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। जैसे जैसे उद्योग जहाँ जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर विकास और बढ़ जाता है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह भी विकसित हुआ है। उससे क्या है, बहुत सारे जो बंदर विकसित होता है उससे बहुत सारे जहाज उस बंदर पर आते हैं, वहाँ से कारोबार चलता है, व्यापार चलता है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। यहाँ पर कुछ पुरानी इमारतें भी है और समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए मतलब किनारे किनारे चलते चलते हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। ये जो मांडवी जो काफ़ी पुराना है शहर है वहाँ का प्राचीन नगर है, लेकिन वहाँ पर राजा के महल पवन चक्की तथा समुद्र तट के कारण वो और भी दर्शनीय मतलब देखने लायक बन जाता है। अधिक मतलब ज़्यादा और दर्शनीय मतलब देखने लायक देखने योग्य देखने जैसा। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिडेदा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा कोठीरा सुधरी और जोखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। वायुसेना मतलब हमारे देश की जो तीन सेना है ना, नौसेना वायुसेना और थल सेना, तो उसमें से ये वायुसेना का यहाँ पर मुख्य अड्डा बना हुआ। यहाँ पर उनका बहुत बड़ा जैसे वो अलग अलग उनके जैसे थल सेना का एक सेंटर होता है मुख्य अड्डा, ऐसे यहाँ पर वायुसेना का है। नलिया से एक घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नलिया से एक घंटे की यात्रा करने के बाद जो नारायण सरोवर है वह अति प्राचीन मतलब पुराने से ही पुराने समय का पौराणिक सदियों से चलता हुआ धार्मिक स्थान है।
इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। देखो इस स्थान को ऐसा माना जाता है कि यह रामायण काल का है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। देखो यहाँ पर बात आती है रामायण की। जहाँ से रावण गुजरा था यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। यहाँ पर सूर्योदय होते हुए और सूर्यास्त होते हुए देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं यह दृश्य को देखने के लिए। जैसे सब लोग सनसेट और सनराइज पॉइंट पर जाते हैं ना, वैसे नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो प्राचीन स्थल है। नारायण सरोवर से जैसे ही यात्रा करके आगे पहुँचते हैं वहाँ पर लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। नारायण सरोवर के पास लखपत है जो गुरु नानक की चरण रज से, मतलब उनके पैरों की धूल से जो पावन हुआ है, उनके पैरों के चरणों से जो उनके चरणों से जो भूमि पवित्र हुई है, पावन हुई है, ऐसा वहाँ पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। पुराने समय में यह लखपत बहुत दर्शनीय था लेकिन बहुत समृद्ध भी था, लेकिन आज वो जीर्ण अवस्था में मतलब टूटा फूटा रह गया है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है, यहाँ पर विद्युत निर्माण भी किया जाता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मज़ार है, पीर की दरगाह है, जैसे होती है ना वो राजस्थान में ख्वाजा चिश्ती की दरगाह है, वैसे यहाँ पर पीर की मज़ार है। मुसलमानों के लिए यह श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर की मज़ार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग, पर्व मतलब नवरात्रि मतलब जो हम लोग गणेश जी गणपति जी के त्यौहार के बाद 9 दिन के लिए माँ अम्बा की आराधना करते हैं, वो कार्य मतलब वो दिन मतलब नवरात्रि और पर्व मतलब त्यौहार, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थी आते हैं। पद यात्रा मतलब पैरों से चलकर, पैरों पे चलकर लोग दर्शनार्थ मतलब दर्शन के हेतु यहाँ तक आते हैं। आगे नक्ताणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पूरेश्वर मंदिर, वांधाई जैसी मनोहारी प्राचीन स्थान है। यहाँ पर रास्ते में चक्ष, पूरेश्वर मंदिर और वांधाई जैसी मनोहर प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है, मतलब वैभव मतलब उसको कितना समृद्ध है वो पता चल जाता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, बुज्जे पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। कच्छ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, भूल जाते हैं तो इससे इस शहर से हमें इस केंद्र की का वैभव पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, आईना महल है, प्राग महल है, टावर है, स्वामीनारायण मंदिर है, हिल गार्डन है, हमीरसर तालाब है, बुज्जे पहाड़, लोक संग्रह और विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं, इतना अच्छा है। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। बचाव में काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ, सॉरी भूज में काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ था 2001 के भूकंप में भूचाल में, तो उसके बाद वहाँ के लोगों ने एक होकर इसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण किया और यह शहर फिर से और पहले था उससे भी सुंदर बना दिया गया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है, अनूठा मतलब विशिष्ट अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। सरकार हर साल रणोत्सव कर यहाँ पर वहाँ पर मनाती है ना, कच्छ के रण में देश भर से लोग यहाँ आते हैं।
सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदनीय घटना है। सफ़ेद रेगिस्तान यहाँ पर ही देखने को मिलता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है, भुज से अंजार भी थोड़ी नज़दीक है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। कच्छ के लोग हस्तकला में बहुत प्रवीण होते हैं। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। जैसल तोरल जो बहुत सदियों पहले दोनों बहनें जो संगीत की कला से निपुण थी उनके मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से आदिपुर तथा गंडी धाम जा सकते हैं। सूरजबाड़ी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। श्यामखाली से ये शुरू हुई थी और सूरजबाड़ी में ख़त्म होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कैसी स्मृतियाँ? अविस्मरणीय, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसे स्मृतियाँ मतलब याद है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। ऐसा कहा जा रहा है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अमिताभ बच्चन द्वारा एक विज्ञापन दिया जाता था, जो आप लोगों ने भी टीवी पर सुना हो कि कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में, है ना। कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा, मतलब कच्छ इतना अच्छा है कि वो शहर देखने लायक है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कच्छ की शहर की और कच्छ में जो देखने लायक जगह थी उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।